नाची से बांची यानी जो नाचेगा वही बचेगा, क्योंकि मान्यता है कि नृत्य ही संस्कृति है। इसमें पूरे झारखंड में जगह जगह नृत्य उत्सव होता है। महिलाएं लाल पाड़ साड़ी पहनती है क्योंकि सफेद पवित्रता और शालीनता का प्रतीक है, वही लाल संघर्ष का। इसीलिए सरना झंडा भी लाल और सफेद रंग का होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। तो आज इस मौके पर आप सभी को सबसे पहले सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेनगी सुसुन काजिये दुरंगे यानी जहां चलना नृत्य और बोलना गीत संगीत है, और यही तो झारखंड का जीवन है। हाथ तोड़ मेहनत के बाद रात में पूरा गांव अखड़ा के साथ साथ नाचता गाता है। ऐसे में बसंत में सरहुल को खुशियों का पैगाम भी माना जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति यौवन पर होती है। फसल से घर और फल फूल से जंगल भरा रहता है। मानते हैं प्रकृति किसी को भूखा नहीं रहने देगी। जुलूस निकलते हैं, मगर पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए भव्य आयोजन तो नहीं किए गए, मगर सारे रीति रिवाजों के साथ रांची में सरहुल मनाई गई। इस मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव एवं डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू ने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पावन पर्व सरहुल पूजा की समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरहुल महोत्सव वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है एवं पृथ्वी और प्रकृति की पूजा होती है। इस समय साल पेड़ों को अपनी शाखाओं पर नए फल मिलते हैं। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दिन प्रकृति की पूजा की जाती है, पारंपरिक नृत्य किए जाते हैं। आदिवासी समुदाय धान, पेड़ों के पत्ते, फूलों और फलों का उपयोग करते हैं। सरहुल की सबसे बड़ी मान्यता है कि अभी जो गर्मी का दिन चल रहा है, गर्मी के बाद बरसात आएगी, तो आने वाले दिनों में किस तरह का वर्षा होगी, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसकी भविष्यवाणी के हिसाब से हम लोग ये पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि अभी हमारे पाहन राजा जो पूजा कर रहे थे, ये भविष्यवाणी है कि आज भी रांची में बूंदाबांदी पानी बारिश होगी। और साथ ही साथ जैसा कि हर बार हम लोग इसको भव्य रूप से मनाते थे, जुलूस को भी निकालते थे, पर कभी विगत दो वर्षों से कोरोना के कारण ना जुलूस निकाल पा रहे, बस हम लोग सीधा सिंपल पूजा ही कर रहे हैं और जितना हो सके हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सरहुल की बस जो हम लोग का पारंपरिक जो पूजा पाठ कर रहे हैं हम लोग बस वही कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस मान्यता को लेके हम लोग, एक तो बहुत महामारी चल रहा है, इसको लेके हम लोग बहुत कठिन बना रहे हैं, जो जुलूस भी नहीं निकाल सकते हम, और प्लस हम महामारी को लेके एक दूसरे को सुख शांति के पर्व से माँ सरना से ये बीमारी को हम दूर तक, जहाँ से बीमारी आया था वापस वहीं चला जाए। ये बहुत कठिन, आदमी खून कहाँ से रो रहा है। इस बीमारी को लेके हम सोच रहे कि अपना एक दूसरे से दूरी बना कर रखें। इस सरहुल पर्व में हम भगवान सूर्य देव का, धरती माँ को इस आज विवाह है, इस विवाह को लेकर हम लोग पीढ़ी भाई पीढ़ी से बनाते आ रहे हैं। इस पर्व में हम लोग खुशहाल नया फल सब्जी फूल ये सब हम लोग करते हैं शुरू से। सरहुल की तैयारियां तो बहुत सिंपल तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं अभी यहां हमारे यहां बहुत भीड़ भाड़ होता, पूजा पाठ धूमधाम हर घर में, पर इस बार कोरोना के देखते हुए हम लोग सिंपल तरीके से कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पहन कोचा में पूजा हो गया, अब अपने घर में जाएंगे वहाँ पूजा किया जाएगा बस, और तो कुछ है नहीं। आज का दो साल से हमारा जुलूस नहीं निकल रहे, इसलिए हम लोग तो बहुत मज़ा नहीं कर पा रहे हैं सरहुल में, पर जो विधि विधान से पूजा है वो हम मन लगा कर रहे हैं, और माँ सरना से यही प्रार्थना है कि इस महामारी से हम लोगों को जल्दी मुक्ति दिलाएं।